हेलो एवरीवन। तो सभी लोग कैसे हैं? होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अब होली आने वाली है। अब होली पर सभी लोग कुछ ना कुछ बनाएंगे, कुछ नमकीन बनाएंगे, कुछ मीठा बनाएंगे। तो मीठा बनाने के लिए आज मैं आपको झटपट से बनने वाले गुलाब जामुन की रेसिपी बताऊंगा, जिसमें आपको ना तो पनीर डालना है ना ही कोई फालतू का झंझट पालना है। आसानी से बना लोगे और अपने रिश्तेदारों की अच्छे से खातिरदारी कर पाओ। रेसिपी को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना है। साथ के साथ आपको एक काम और कर लेना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना है, ताकि आने वाली वीडियो अब तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गहरा बाउल ले लिया और इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ 250 ग्राम धाप। जो मावा आता है मार्केट से वो तीन टाइप का होता है, एक होता है पिंडी, एक होता है दानेदार और एक होता है धाप। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए हम धाप का इस्तेमाल करते हैं। आप वैसे तो सॉफ्ट ही होती है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसको मैश कर लेना है ताकि इसके जो थोड़े से बड़े दाने हैं वो मर जाए। थोड़ा सा ही मैश करने के बाद आपको फिर इसके अंदर ऐड करना है 60 ग्राम मैदा। यहाँ पे सिर्फ 60 ग्राम मैदा ही इस्तेमाल करेंगे हम 250 ग्राम धाप के अंदर। और फिर आपको जो हथेली का निचला हिस्सा होता है ना, इससे अच्छी तरीके से इसको मैश करना है, इसको गूथना है, इसके जो कर्ण है ना वो बिल्कुल बारीक कर देना है, आपको मैश करते जाना है। इस प्रोसेस को आपको बड़े ध्यान से करना है, ऐसे हथेली से इसको मलते हुए इस डो को लगाना है और एकदम चिकना बनाना है, ताकि जब लास्ट में आप अपनी गोलियां बनाएंगे ना, जब इसके पेड़े तोड़ेंगे और जब गोलियां तैयार करेंगे गुलाब जामुन की, तो वो बहुत ही चिकनी तैयार होनी चाहिए। तो अब इसको अंदर हम ऐड करेंगे इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर और 1/2 टीस्पून ही बेकिंग पाउडर, ताकि हमारे गुलाब जामुन अच्छे से फूल पाए। थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ यहाँ पर इसको एक्टिवेट करने के लिए। अब इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर और गूंथ लेंगे, ताकि जो हमारा डो है चिकना हो जाए। देखिए, जब आप गुलाब जामुन बनाते हैं ना, बस इसी स्टेज पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, लेकिन ये काम भी बड़ा झटपट से हो जाएगा और आप बहुत ही आसानी से अपने घर पर गुलाब जामुन बना लेंगे। बाहर से जो मैदा होता है, बाहर से जो खोया होता है ना, वो बहुत थर्ड क्वालिटी का होता है, इसलिए कोशिश करें कि जितनी चीज़ें आप घर पर बना पाए उतना अच्छा है। तो फिलहाल हमारे यहाँ जो डो था वो लग चुका है, बहुत ही सॉफ्ट है। आप इसको देखो, छू के दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल ही सॉफ्ट डो लगा है। अब इसको हम तोड़ेंगे पेड़े। अब एक साफ प्लेट ले लेंगे और अपने दोनों हाथों की मदद से छोटे छोटे पेड़े तोड़ के उसकी गोलियाँ बना लेंगे। गोलियाँ एकदम चिकनी होनी चाहिए, उसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, वरना वो ऑयल में जाके फट जाएंगी। तो इसलिए ऐसी ही चिकनी गोलियाँ बनाएंगे, तभी आपके गुलाब जामुन वो अच्छे बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे डो से गोलियाँ बना ली हैं। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे, ताकि जो ये गोलियाँ ऊपर से हार्ड ना हो। तो यहाँ पर देखिए, मैं चाशनी पुरानी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरे पास रखी हुई थी, लेकिन आपको मैं मेथड बता देता हूँ कि आप अगर आधा किलो चीनी लेंगे तो उसके अंदर उसका आधा पानी डालेंगे, यानी 250 ml पानी डालेंगे, तो उसकी गुलाब जामुन की चाशनी तैयार हो जाएगी। तो मेरे पास पुरानी चाशनी पड़ी थी, तो मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, उसके अंदर उतना मैं रिफाइंड ऑयल डालूंगा जितने कि मेरे गुलाब जामुन उसमें डूब पाए। अब जितने भी हमने गोलियाँ बनाई थी, अभी उसको हम नहीं डालेंगे, इसमें सबसे छोटी वाली गोली में डालकर इसमें चेक कर रहा हूँ कि हमारे ऑयल का टेम्परेचर कितना है, क्योंकि हमें जो ऑयल का टेम्परेचर वो बिल्कुल हाई नहीं रखना है, बस वो अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। तो जो ऐसे ही मेरी वो गोली ऊपर फूल के आ गई, तो अब मैंने क्या करा, सारी की सारी जो गुलाब जामुन की गोलियाँ बनाई थी वो मैंने ऑयल के अंदर डाल दी है, और जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो है। जब तक हमारी गोलियाँ ऊपर नहीं आ जाती हैं, तब तक हमारे जो फ्लेम है वो स्लो ही रहना चाहिए। जैसे ही ये थोड़ा सा पकने लगे और ऊपर फूल के आ जाए और ऊपर ऑयल के ऊपर तैरने लगे, तब आपको जो अपने गैस का फ्लेम है ना, वो थोड़ा हाई कर देना है, मीडियम और हाई के बीच में रखना है, और तब आपको अपने गुलाब जामुन की जो ये गोलियां हैं इसको अच्छे से पका लेना है। ऐसे ही आपकी गुलाब जामुन की गोलियां एक अच्छा कलर पकड़ लेती हैं, तब आपको एक प्लेट में इसको निकाल देना है। सारी गोलियों को एक प्लेट में निकाल के रखें और फिर चाशनी में डालें। एक चीज़ का आपको खासा ख्याल रखना है कि जो गोलियाँ होती हैं, जब आप निकालेंगे ऑयल से, तो इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। अगर आप गरम गरम ऑयल से उतारते के साथ ही इसको चाशनी में डालेंगे तो ये पिचक सकती है, तो इसलिए पहले इसको थोड़ी देर ठंडा करें, इसका टेम्परेचर डाउन होने के बाद ही चाशनी में डालें। और हाँ, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि चाशनी आपकी गुनगुनी होनी चाहिए। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ढक के रख देता हूँ, आधे घंटे के बाद मैं इसको सर्व करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपने गुलाब जामुन आधे से एक घंटे के बीच में निकाल लिए हैं। यहाँ पर हमारे गुलाब जामुन का जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आया था। आप चाहे तो इस पर बहुत ही हल्का कलर भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आपको स्लो और मीडियम फ्लेम के बीच में इसको पकाना होगा। देखिए, मैं यहाँ पर अपने गुलाब जामुन को काट कर भी दिखा देता हूँ कि अंदर से भी प्रॉपरली पका हुआ है। देखिए, आधे घंटे के अंदर इसने काफी चाशनी पी ली है। जब भी गुलाब जामुन बनाएंगे तो उसको जब चाशनी में डालेंगे, कम से कम 3 से 4 घंटे का रेस्ट जरूर दें, ताकि वो चाशनी पूरी तरीके से सूख पाए। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको अपने प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे गुलाब जामुन बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप चाहें तो इसे होली पे बनाकर अपने फ्रेंड सर्कल, अपने रिश्तेदारों को काफी इंप्रेस कर सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, क्योंकि ये जो मैंने रेसिपी है बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताई है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोज को देख पाए। और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है, प्लीज अगर उनको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंडों के साथ इसको शेयर करें और लाइक करें। तो फिलहाल
तो हमारी इस वीडियो में बस इतना ही था। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।